Hello friends, welcome back to my channel and you're watching CCC Creative Vlogs and Cooking by Priya. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो. अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स करके बताना ना भूले आज का वीडियो आपको कैसा लगा. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. अगर वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें. कॉमेंट्स करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री होता है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकॉन दिया हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें. बेल आइकॉन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है. और जो मेरा दूसरा चैनल है दैट इज़ फील फ्री सॉल्यूशन, अगर अभी तक आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ DIYs, होम रेमेडीज, कुछ होम सॉल्यूशंस और बहुत कुछ जो आप लोग चाहते हैं वहाँ देखना. आप लोग कॉमेंट्स कर सकते हैं. फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. आज है गणेश चतुर्थी, तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ माय व्यूवर्स. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मिल्क केक मोदक. आप देख सकते हैं देखने में कितने ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं. बनाना भी उतना ही इजी है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी. इसके लिए मेरे पास है यहाँ पर दूध. इसके ऊपर से मैंने मलाई हटा ली है और मलाई हटाकर हम इस दूध से मोदक बनाएंगे. आज केवल दूध का ही यूज़ करेंगे और आप देखेंगे कि ये मोदक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे. मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक नॉनस्टिक कढ़ाई, उसमें ये दूध ऐड कर दिया है. मेरे पास टोटल 1.5 लीटर दूध है जो मैंने इसके अंदर ऐड किया. अब हमें इस दूध को पकाना है. आप देख सकते हैं दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो इस स्टेज पर आप इसको कुछ इस तरीके से चला दीजिए ताकि दूध कढ़ाई के बाहर ना निकले. आपको इसे लगातार चलाते रहना है और दूध को आपको उस स्टेज तक चलाना है जब तक कि ये दूध पक कर बिल्कुल 1/8 हिस्सा ना रह जाए. मतलब कि जब ये दूध कुछ इस तरीके से बॉयल होना स्टार्ट हो तो इसकी मलाई को मिक्स करते रहिए. साइड में जितनी भी मलाई इसमें आ रही है उसको स्क्रैप करते रहिए. जब आप इसको स्क्रैच करेंगे तो फिर जितनी भी मलाई होगी वो बर्तन में नहीं चिपकेगी और दूध के अंदर ऐड होती जाएगी. दूध पकता रहेगा और आप देख सकते हैं जब ये दूध पकता है ना इसकी खुशबू इतनी अच्छी आती है, इतनी सौंधी सौंधी सी जो खुशबू होती है ना बहुत ही अच्छी लगती है. और इस सौंधी सौंधी खुशबू वाले दूध से जब आप ये मोदक बनाएंगे इट इज़ जस्ट ऑसम. बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं. और इसको मैं मिल्क केक मोदक कह क्यों रही हूँ उसका रीज़न ये है क्योंकि ये बिल्कुल मिल्क केक के जैसा बन जाता है और हम इसको शेप दे देते हैं मोदक की. आप देख सकते हैं दूध पकते पकते बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, इतना गाढ़ा दूध, एकदम मलाईदार, क्योंकि जितनी भी इसकी साइड में मलाई हो रही थी खुरचन टाइप की वो सब हम इसमें ऐड करते जा रहे थे. तो ऐड करते करते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलाई कितनी ज़्यादा थिक हो गई है, कलर इसका चेंज हो गया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है. और लास्ट में हम इसको ना थोड़ा सा स्वीट बनाना है हमको, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चारों साइड से इसको अच्छे से स्क्रैच किया है, कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका है. अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी. 3 से 4 चम्मच चीनी आप इसमें ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इलायची पाउडर भी इस स्टेज पर ऐड कर सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है. हमेशा जब भी आप इस तरीके से मोदक बनाएं तो नॉनस्टिक कढ़ाई में ही बनाएं, अदरवाइज आप किसी एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे तो वो आधा उसी में चिपक कर रह जाता है और वेस्टेज ज़्यादा होती है. लेकिन अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा दानेदार खोया बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और इस दूध ने हल्का हल्का सा घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है. उसके बाद हमने इसको कढ़ाई में ही थिक कर लिया था, फ्लेम ऑफ कर दी थी. फ्लेम ऑफ करने के बाद आप इसको लगभग 5 मिनट तक इसी तरीके से चलाते रहिए. 5 मिनट तक चलाने के बाद जब ये खोया हल्का सा गरम हो, मीन्स ना तो ज़्यादा ठंडा हुआ हो और ना ही बहुत ज़्यादा गरम हो कि आप इसको टच ना कर सकें, उस स्टेज पर आपको इसे एक बर्तन में निकाल लेना है और फिर स्टार्ट कर देने हैं मोदक बनाने. कैन यू सी दैट कि कितना ब्राउनिश कलर इसका आया है और इतना टेस्टी लग रहा है ना. आई जस्ट लव दिस, बहुत ही अच्छा लगता है. आप चाहें तो इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं, एकदम दानेदार खोया आपका तैयार है. तो मेरे पास है यहाँ पर ये मोदक मोल्ड, आपको ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाते हैं, मैंने ऑनलाइन ही इसको परचेज किया था. तो हल्का सा पहले हम इसको घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि हम जो भी मोदक बनाएं वो बहुत ही इजीली निकल आए. अभी आप देख सकते हैं कि खोया हल्का हल्का सा गर्म है तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस कर रही हूँ
इसको बहुत ही अच्छे से प्रेस कीजिए, अंदर तक प्रेस कीजिए ताकि ये उस मोल्ड की शेप ले ले, मोदक की शेप ले ले, और जब आप इसको ओपन करें तो कोई भी टूटे नहीं। अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो ये मोदक पूरे नहीं निकलेंगे और बीच में ही टूट जाएंगे। मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इसको परफेक्टली प्रेस नहीं करेंगे तो मोदक के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मोदक इजीली नहीं निकल पा रहे हैं तो आप इसको अगेन प्रेस कीजिए, और इसको अच्छे से फिंगर से प्रेस करने के बाद आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये पहले तो छोटे वाले मोदक बनाकर तैयार किए हैं, उसके बाद मैंने लिया है ये मोदक का बड़ा मोल्ड और फिर मैंने ये मोदक बनाए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ बड़े मोल्ड से। जस्ट लुक एट दिस, कि मोदक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, दानेदार हैं। जब आप इसको गर्मा गर्म खाते हैं ना तब तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इसको गर्मा गर्म ज़रूर ट्राई करें, और इसको आप केवल उसी दिन बनाकर यूज़ कीजिए, तभी ज़्यादा अच्छा टेस्ट देगा। अगर आपने इसको एक भी दिन फ्रीज में रख दिया तो इसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाने वाला है। लेकिन गर्मा गर्म और एकदम ताज़े बने हुए मोदक जितने अच्छे लगते हैं ना, यू विल जस्ट लव दिस, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप कि ये ईजी सी रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ये तो था थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर और ट्रेडिशनल वे। अगर आप चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में केवल 10-15 मिनट में आपके इतने अच्छे मोदक बन जाएं, तो उसकी एक शॉर्टकट रेसिपी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी।